हेलो चैनल, वेलकम टू माय गाइस। एक और सुहाना दिन, बेहतरीन धूप निकली हुई है। अभी हम लोग, मैं, धर्मेंद्र भाई, ये लोग जो है ना, हम लोग जा रहे हैं घूमने आज आइलैंड पे। या सेमी में बहुत अच्छा आइलैंड है, तो अभी दिखाएंगे। अभी हम लोग पहले जाएंगे यूनिवर्सिटी, वहाँ से थोड़े बहुत लोकल फ्रेंड हैं वहाँ से उनको कनेक्ट करेंगे, फिर वहाँ से निकलेंगे आइलैंड के लिए। सब पूरा ट्रिप दिखाऊंगा मैं, और आपको आइडिया भी हो जाएगा यहाँ पे कैसा है ऑस्ट्रो वगैरह। जैसे कोई सेमी आता है पढ़ने, सो घूमना हो तो कैसे कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। हाय एवरीबॉडी, ये है धर्मेंद्र भाई, इनके साथ जा रहे हैं हम। ये जूनियर्स खड़े हैं हमारे साथ, ये तीन जूनियर, और वो दो भाई जो है ना, वो भी जा रहे हैं साथ में, और लोकल्स भी आ रहे हैं। मतलब यहाँ से निकलेंगे हम लोग टैक्सी वैक्सी बुक करके, और आइलैंड पे मिलेंगे। आगे हम लोग यूनिवर्सिटी में बस दो तीन लोगों को और कलेक्ट करेंगे, लोकल्स वगैरह को, फिर यहाँ से जाएंगे घूमने। जा कर रहे घूमने ये तो बता दो पब्लिक को, हम आइलैंड पर जा रहे हैं घूमने के लिए। और कौन सा आइलैंड है वो सीक्रेट है, वो आपको व्लॉग में पता चलेगा। ये जूनियर्स हैं, ये लोग फोटो वोटो खिंचा रहे हैं। सेकंड फर्स्ट ईयर में हम लोग का भी यही हाल था, यूनिवर्सिटी के सामने पूरे वक्त फोटो वोटो खिंचाते रहते थे। अभी जा रहे हैं हम लोग। ये यूनिवर्सिटी का लेफ्ट साइड, एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में आओगे ना तो ये साइड पड़ता है। ये भी हॉस्टल ही है एक तरीके से। पहले यहाँ पे हमारी क्लास लगती थी रशियन की, अब यहाँ पे हॉस्टल है। ये भी हॉस्टल नंबर 3 कहलाता है यहाँ पे। यहाँ पे भी बच्चे रुके काफी। He is our friend Bogdan. Yo, hey bros. Okay, now we are approaching the Bogunch Island to spend a great time with foreign guys. Yes. I mean Indian guys. With Indian guys. We are so many people together. There are change of plans. हम लोग पहले टैक्सी से जाने वाले थे, लेकिन हमारे लोकल भाई ने बोला, दोस्त ने, कि टैक्सी से नहीं भैया, पैदल चलेंगे। तो अब पता नहीं कितना किलोमीटर है यहाँ से जाना है, एक और ब्रिज क्रॉस करना है, फिर दूसरे ब्रिज पे जाना है, बहुत दूर जाना है पैदल ही पैदल पूरा। फिर पैदल रास्ता रिकॉर्ड करेंगे। This river will lack of water and hill will be in right. Yes. Then we can literally walk on it. Yes. It will be frozen everywhere. And I'm afraid of this event. भाई बोल रहे हैं 1 नवंबर से स्नोफॉल चालू हो जाएगी। Behold the some rains and just cloudy weather. अब देखो, अब यहाँ हम लोग ऊपर चढ़ के ब्रिज पे जाएंगे। यहाँ के देखो ऐसे होते हैं डॉग्स, वुल्फ टाइप में। ये देखो, इंडिया में हस्की ब्रीड की कितनी डिमांड है, और यहाँ ऐसे रोडों पे घूमते हैं कैजुअल। अब इंडिया वाले देख ले तो कहें, अरे यार वहाँ इंडिया में इतने महंगे महंगे हस्की ब्रीड मिल रही है, यहाँ ऐसे ही घूमते हैं। यहाँ का, यहाँ ऐसे ही है ना, यहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी है कि यहाँ इन लोग को यही लोग सर्वाइव कर पाते हैं। नॉर्मल अपने इंडिया वाले डॉग्स को यहाँ ला दोगे तो बेचारे मर ही जाएंगे। बहुत ठंड पड़ती है भैया, -45 तक जाती है। ये है वो छोटा सा ब्रिज, ये क्रॉस करके आएगा ऑस्ट्रोव, और टैक्सी से लगता है जाने में 20 मिनट, और भाई साहब हमें पैदल लेके जा रहे हैं। हम लोग की हालत बचे नहीं बचे वापस आने लायक, ये हमें मालूम नहीं है। अच्छा, ये सारे एडवेंचर मुझे ही मिलते हैं। कभी भी आपने व्लॉग में देखा है कहीं भी जा रहे हैं तो पैदल निकल गए ना, वो कहाँ पे नर्सिंग, वो अपना ये कहते हैं, हम लोग नैनीताल में पैदल घूम रहे हैं, इधर उधर भगते फिर रहे हैं। खैर, मज़ा तो आता है। प्रॉब्लम, एक मेन प्रॉब्लम ये और आ गई कि साला
बैटरी नहीं है मोबाइल में, मुझे आइडिया नहीं था। एकदम सडन प्लान बना, ये तो धर्मेंद्र पे जा रहे थे, उन्होंने कहा चल रहे हो क्या, मैंने कहा चलो भाई ब्लॉग बनाना है। अब सिर्फ 50% बैटरी बची है, देखते हैं कब तक ब्लॉग बन पाएगा। ये देखिए लोकल लोग जो है ना वहाँ फिशिंग कैंपिंग वगैरह कर रहे हैं, लोग भी इंजॉय करने आए। अब डर ये है कि सारा फ़ोन नीचे ना गिर जाए, वो देखो वो दिख रहा होगा, पब्लिक है पूरी, फिशिंग हो रही है, कैंपिंग हो रही है, सब ये इंजॉय करने। आज तो मौसम बहुत अच्छा है ना, इसलिए सब घूमने आए। चलो धर्मेंद्र भाई। भैया बैटरी फ़ोन की बहुत तेज़ ड्रेन हो रही है, तो अब मैं हुआ तो मैं बीच में अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ अच्छी स्पेशल होगी तो आपको दिखाऊंगा, नहीं तो फिर डायरेक्ट आपको आइलैंड जाके ही ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि अगर बैटरी नहीं बची तो फिर आपको बीच रास्ते दिखा दिया तो मेन चीज़ दिखा नहीं भूल नहीं दिखा पाऊँगा। ठीक है, अभी भी चल ही रहे हैं भैया, अभी जब से चल रहे हैं अभी तक ब्रिज ही ख़त्म नहीं हुआ, सांस और खोलने लगी। ये तो अच्छा है कि थोड़ी आज टेम्परेचर अच्छा है, नॉर्मल है, धूप भी बहुत तेज़ आ रही है तो मैनेज हो जा रहा है। यहाँ हम ब्रिज क्रॉस करके यहाँ से एक और रास्ता जाता है नीचे कैंपिंग के लिए, कैंपिंग के लिए आगे से होके जाएंगे, लेकिन हम लोग आगे से रास्ता और थोड़ा इजी है, सीढ़ियाँ वगैरह लगी है। भाई आप कितनी बार आए हैं यहाँ पे? ये हाँ? मैं भाई खुद पहली बार आया हूँ। जूनियर चालू। धर्मेंद्र भाई को जो है ना उछाल के आसमान में फेंक दो। अभी तो पता ही देखिए फैमिलीज वगैरह सब बैठी हैं यहाँ पे पिकनिक मना रहे हैं। अभी तो फिर भी मौसम सही है, जब बर्फ़ के टाइम पे तो पूरा जम जाता है। क्यों धर्मेंद्र भाई? पूरा सफ़ेद सफ़ेद पड़ा रहता है आसपास, बर्फ़ ही बर्फ़ और फिर बर्फ़ के टाइम में अलग एडवेंचर होते हैं। मैं कह सकता हूँ आज आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। भाई धर्मेंद्र भाई ने प्रॉमिस कर दिया तो मज़ा आने ही वाला है। अपनी पूरी भीड़ साथ ही तो आ रही है, पेड़ की मोटाई देखो आप, कितना मोटा पेड़ है। यहाँ ऐसे ही पेड़ सर्वाइव कर पाते हैं भैया, सारे पेड़ जो है ना मोटे मोटे ही मिलेंगे यहाँ पे। यहाँ तो स्पोर्ट्स को और आर्टिस्ट को बहुत बढ़ावा मिलता है, देखो आपने बीच बीच आइलैंड में जो है ना इन लोगों ने टेबल टेनिस की टेबलें लगा रखी हैं, पीछे बॉक्सिंग कर रहे थे बच्चे, खूब साइकिलिंग चला रहे हैं, स्पोर्ट्स को तो यहाँ खूब बढ़ावा दिया जाता है। ये देखो आ गया हमारा आइलैंड, नाउ दिस इज द आइलैंड व्हेन यस या वी आर ऑन द वे। क्या बना हुआ है यहाँ पे ये देखो आप, व्यू कितना प्यारा है। ये है मेन पार्क, यहाँ बस यहाँ आओ पिकनिक मनाओ, दोस्तों के साथ एंजॉय करो, दोस्तों के साथ एंजॉय करो और बेहतरीन घूमो फिरो। अच्छा लगा ब्रो, व्हाई दिस स्टैचू मींस, व्हाट डज इट सेज? दिस स्टैचू मींस द स्टॉपेज ऑफ अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजंस इन सिमी। सुना आपने, मतलब जो वही जो न्यूक्लियर अटैक्स जो बॉम्बिंग जो टेस्ट होते थे ना रेडिएशन के, उसको रोकने के लिए उन्होंने ये स्टैचू बनाया है, ये रिप्रेजेंट करता है। वो एक देखो बैठी है, वो पास से दिखाता हूँ। आ रहे हो ना धर्मेंद्र भाई? यार तुम कैसे नहीं आओगे व्लॉग में, उधर हॉर्स राइडिंग वगैरह भी हो रही है। ये देखिए वो शादी के कपल आए हैं, वो फोटोशूट चल रहा है उनका यहाँ पे, बहुत खूबसूरत जगह है ना यहाँ पे, सब लोग आते हैं फोटोशूट करवाने। ये एक और टावर बना है, टावर टाइप का कुछ बना है, उसका भी पता करते हैं अभी क्या है, वो बताएंगे भाई अपने। ये देखिए आप क्या खूबसूरत आर्ट बनाया है, कि ये माँ है, वो माँ अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही है, ऊपर एटम वो है न्यूक्लियर बॉम्ब के जो हॉट एटम होते हैं ना वो, उसका वो बना ऊपर से, ये देखो आप उससे उसको प्रोटेक्ट कर रही है।
ये सब ये रोकने के लिए यहाँ इन्होंने सिंबलाइज करके बनाया था। ये बुड्ढे अंकल को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए ये रशियन वेडिंग चल रही है, बेहतरीन फोटोग्राफी हो रही है यहाँ पे। तो मस्त खूबसूरत लोग हैं यार यहाँ पे। हेलो, what's your name? Talk with you. Karina. Karina is a Russian girl. Ah, хорошо. What's your name? Dina. Dina also is here. One is Dina, one is Karina. Okay, guys. Thank you. Thank you. आराम बता दो। भैया हेडफोन लगा, धीरे धीरे रशियन लोग देख रहे हैं। хорошо. Yeah, he did it. Successfully. La. भाई बैठ गए फाइनली हॉर्स राइडिंग घोड़े पे। धर्मेंद्र भाई हाय बोल दो। धर्मेंद्र भाई तो खुद ही चला रहे भाई, उन्हें तो आता हॉर्स राइडिंग, मुझे तो नहीं आता भाई, मैं तो बंदे के साथ ही जा रहा हूँ। बेहतरीन खूबसूरत हॉर्स है यार, चढ़ने में इतनी दिक्कत हुई थी, लेकिन हम लोग तो देखो वहाँ से बहुत लंबा चल के आए। अब जैसे कोई और आना चाहता है डायरेक्ट, तो यहाँ ये है ना डायरेक्ट ऑस्ट्रो आयलैंड बोलोगे तो यहाँ टैक्सी यहाँ छोड़ देगी आपको, और ये मेन गेट है, यहाँ से आप एंटर करो और बाकी वो जो आपको देखो वो टावर वहाँ दिख रहा है वहीं, उसके पास हमने हॉर्स राइडिंग वगैरह करी है। हम लोग को तो क्या एडवेंचर वगैरह पसंद है, तो हम लोग पैदल ही निकल जाते हैं जहाँ पे। ये भाई इनको जो हमारे साथ जो हैं, इनको वॉकिंग का बहुत अच्छा शौक है, मतलब कह रहे हैं कि मेरी हॉबी है वॉक करना, तो इनके साथ ही आगे हम लोग वॉक करते हुए, कोई दिक्कत नहीं है। सब फोटो वोटो के रेडी हो रहे हैं, फोटो वोटो खिंचाएंगे। फिर चल दिए भैया हम लोग अब रिवर की तरफ, फिर से रिवर बैंक पे। फ़ोन में बैटरी तो बची नहीं है यार, 20% बैटरी बची है बस। उम्मीद तो यही है वहाँ तक चल जाए फ़ोन, क्योंकि 4K में वीडियो शूट कर रहा हूँ तो बहुत बैटरी ड्रेन हो रही है। सब आ रहे हैं साथ में। अब यहाँ से दो रास्ते कटेंगे, एक लेफ्ट जाएगा और एक राइट जाएगा। हमें जाना है राइट फ्रंट में रिवर के लिए। भाई यहाँ भी नहीं रुकना अभी, तो यहाँ और जाना है, यहीं यहाँ जाना है सीधा। ये है रिवर आ रही है, बेहतरीन पानी देखो आप यहाँ पे। भाई सीरियसली दे रहा हूँ, मान लेना जैसे हम लोग जो रास्ते से आए ना, हम लोग ग्रुप थे, 10-11 लोग थे, इसलिए आए हैं। अकेले कभी भी ऐसा रास्ते से मत आना, क्योंकि यहाँ अकेला बिल्कुल सेफ नहीं रहता, कभी कुछ भी हो सकता है। फॉरेन कंट्री यार, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा फिर, है ना। हम लोग तो ग्रुप था पूरा यार, इसलिए हम लोग आगे साथ में। अकेले कभी भी मत आना, हमेशा ग्रुप में ही आना अगर ऐसे आना है तो, नहीं तो अगर डायरेक्ट टैक्सी से आके वो जहाँ हम लोग हॉर्स राइडिंग वगैरह कर रहे थे वहाँ घूमना है तो वहाँ अकेले आ सकते हो, लेकिन डायरेक्ट टैक्सी से आना, ऐसे पैदल वगैरह मत आना, क्योंकि यहाँ की देखो कोई गारंटी नहीं है कब क्या हो जाए। फाइनली ये हमारी लोकेशन है, हम लोग यहीं रुकेंगे अब, है ना। पानी के पास आवाज़ भी आ रही है, आपको सुनाई दे रही होगी, मतलब यहीं रुकेंगे हम लोग, खाना वाना खाएंगे, पिकनिक करेंगे, फिर उसके लिए हॉस्टल की लाइन वापस मिलाएंगे। भूख लगी है यार हम लोग को, तो अब बस स्नैक्स वगैरह निकाल के खाना पीना शुरू करेंगे। फोटो वोटो खिंचा रहे हैं अभी तो, सब फोटोशूट वगैरह हो रहा है सबका। ये सब अपना नाश्ते का माल मसाला निकालते हुए हम लोग तो जा रहे हैं अब वापस। सब वो जो गेट दिखाया था ना आपको, वहीं जा रहे हैं, वहाँ टैक्सी मिलेगी। यहाँ तो मिले आते आएगी नहीं बीच आइलैंड में, तो कहीं टैक्सी वहीं जाएंगे पैदल चलते हुए टैक्सी में, तो टैक्सी करके हॉस्टल। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। यस, और सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल। बाय।